कहा स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ वो स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने दुनिया में रह करके अपनी मातृभाषा को नहीं भूला है, अपनी मातृभाषा अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति को पूरी दुनिया में जिंदा किया है, वो थे स्वामी विवेकानंद जी। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, उनके बाद एक ऐसा आप लोगों ने हिंदुस्तान को इस मातृभूमि को ऐसा नेता दिया है जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर मातृभूमि को नाम को ऊंचा किया है, और आतंकवाद के खिलाफ और मातृभूमि की रक्षा के लिए शपथ ली है कि इस मातृभूमि को मैं आज नहीं आने दूंगा, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस टाइम का कांग्रेस ही बहुत छोटा था, बचपन का जिंदगी का सफर मगर गोलियों से गुजरा, बचपन जवानी अब अगर 14 बार आतंकवादियों ने हमले किए, पर एक मन के अंदर जो बचपन में था आज वही है, राष्ट्र का कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई आएगी जाएंगी, पर राष्ट्र का धर्म हमेशा जुड़ा रहे, यह संकल्प लिया। जिस महाराष्ट्र की धरती पे जब यूथ कांग्रेस का प्रेजेंट था, हर जगह पे जाने का मौका मिला, चाहे जहां भी आया, अमरावती भी आए, बॉम्बे भी, हर जगह पे पूना में लाखों की रैली करने का मौका मिला, और मेरी टीम के उस वक्त के स्टेट प्रेजिडेंट मनी डाके और अशोक चौहान जो आपके चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बड़े मेरी टीम के लोग कोई चीफ मिनिस्टर बना, ममता बनर्जी मेरी स्टेट प्रेजिडेंसी चीफ मिनिस्टर बनी, कई सेंटर के मिनिस्टर बने, पर मैंने अपने रास्ते को कभी छोड़ा नहीं, अपना रास्ता वही रखा, मातृभूमि की आजादी की रक्षा, सर्वमित्र की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, बहनों के सौहार्दों की रक्षा, बच्चों की रक्षा, अपने संकल्प को वही किया, मैं अपने रास्ते से चलूंगा। हम चलते गए, गोलियां चलती गई, शरीर में खाता गया, लोहा बढ़ता गया शरीर के अंदर, कहीं राह कहीं लोहा कहीं मशीन चलती गई, जब हम गोलियां चलते दिल्ली की आवाज निकलती थी, सर सरोची की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बात हुए, और आपने मेरे घर में बम फेंका, हम उस वक्त फंक्शन की तैयारी कर रहे थे, हमें याद है उस वक्त जो शमियाने होते थे वो लाल पीले नीले रंग के डब्बे के होते थे, अब तो बदल गए, मैं थोड़ा सा अंदर गया, बम किया, अंबेडकर जी जिन्होंने इतिहास के खून से पन्नों को सजाया था, उनका अपमान करके चले गए ये लोग, अंबेडकर साहब का मान सम्मान करते हैं, बड़े और छोटे में फर्क नहीं है। अभी मैं रुका अहमदनगर में, चर्चा का मुझे गया, एक व्यक्ति वहां मुलाजिम का दरवाजा खोला और अपने जूतों को उतारा और अंदर स्विच ऑन करने चला गया, मैंने कहा जूते क्यों उतारे, नहीं नहीं सर मैं जूते पहनो, जूते पहनो, क्या मैं तेरा जूते पहन के जा रहा, तेरे जूते क्यों उतरेंगे, तेरे मेरे में फर्क नहीं है, जूते पहनो, जूते पहनो और फिर चलो, फिर हम आइए बाहर, किस चीज का छोटे बड़े में फर्क, जब इस मातृभूमि की मिट्टी पे हमने थमाना ही थमाना है, कौन सा हिंदू कौन सा मुसलमान कौन सा सिख कौन सा भाई कौन सी जात कौन सा दल कौन सा मतलब राष्ट्र यदि हमारे दिल से, मैं अमृतसर जाता हूं अपने घर में, मेरे घर में एक लड़का सफाई उसका पिता करता है, कितना सर फोटो भेजा नहीं होता, आ जाओ करते हैं, मुल्क के घरानों को फिर सतर्क
मुझे मुझे सब पहुंचा फिर जुटाता हूं, पर हाथ जोड़ के उनको निवेदन जरूर करूंगा, आप लाखों बार घूमिए हम आपके पीछे रहेंगे, पर इस मुल्क के घरानों को महाराष्ट्र की धरती पे कभी लाना मत, जब छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत का अपमान होगा, अगर इस मुल्क के घरानों को इस महाराष्ट्र की धरती का अपमान इसकी संस्कृति को तोड़ने के लिए लाएंगे, करेगा मतलब करने में मैं उतरूंगा।